अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। रश्मिका किचन में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी बहुत ही डिलीशियस और गर्मा गर्म एक पास्ता की रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड, बिना देरी किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की इस मज़ेदार रेसिपी को। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, मैंने एक बर्तन में आधा लीटर पानी ले लिया है और अभी मैं पानी को अच्छे से गर्म करूँगी और यहाँ पर मैं आधा चम्मच पानी में नमक डाल दूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून ऑयल को डाल दूँगी। ऑयल को डालने के बाद मैं यहाँ पर पास्ता जो मैंने लिया है तो मैं यहाँ पे 2 कप भरकर पास्ता डाल रही हूँ और अच्छे से इनको उबाल लूँगी 80% तक, मतलब पकने तक इसको उबालती रहूँगी। तो अब ये 10 मिनट तक, मतलब मैंने अच्छे से उबाल लिया है और ये 80% तक पक भी गया है। तो अभी मैं एक को तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये जब हम मतलब इसको तोड़ के देखेंगे कि ये 2 पीस आसानी से हो जाएगा, तो इसका मतलब ये अच्छे से हो गया है। और अभी मैं इसको गैस से निकाल के छान लूँगी सारे पास्ते को। गैस पर मैंने एक फ्राई पैन को बिठा दिया है और इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच तेल को डाल के गर्म कर लिया है। और अभी मैं यहाँ पर एक बड़ा साइज का प्याज को बारीक चॉप करके लिया है, इनको डाल दिया है और अभी मैं इनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और उसके बाद मैं इनमें 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच लहसुन के पेस्ट को डाल दूँगी और इन सबको मिलाकर अच्छे से मिक्स करके इनको भी फ्राई कर लूँगी। तो अभी थोड़ा प्याज भुन गया है तो इसमें मैं 1/2 चम्मच कुटी हुई मिर्ची को डाल दूँगी और उसके बाद इन सबको मिक्स कर लूँगी। इन सबको मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे 1/2 चम्मच नमक को डाल दूँगी और यहाँ पर मैं 2 बड़े चम्मच टमाटो केचप को डाल दूँगी। टमाटो केचप को डाल के अच्छे से इन सबको मिक्स करके उसके बाद मैं यहाँ पर 1 चम्मच चिली सॉस को डाल दूँगी। तो चिली सॉस को डाल के इनको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद यहाँ पर मैं 1 चम्मच सोया सॉस को डाल दूँगी। सोया सॉस को डालने के बाद अच्छे से इन सबको मिक्स करके और थोड़ी देर इनको भूनते रहना है। तो अभी ये थोड़ा भून चुका है और अभी मैं इनमें 3 अंडे को डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर 2 अंडे भी डाल सकते हैं और 3 अंडे भी डाल सकते हैं। ये आपका मतलब कितना ज़रूरत है, क्योंकि आपने कितना पास्ता डाला है उस हिसाब से आप अंडे को डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 कप पास्ता डाला है तो इसलिए मैंने यहाँ पर 3 अंडे का यूज़ कर रही हूँ। तो मैं 3 अंडे को डालकर अच्छे से इनको मिक्स करके एकदम अच्छे से पका लूँगी। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने अच्छी तरह से अंडे को फ्राई कर लिया है और इनको फ्राई करके मैंने एकदम एक भुर्जी बना लिया है। तो अभी मैं इनमें मैंने जो बॉयल करके पास्ता रखा था उन सारे पास्ते को इनके ऊपर डाल दूंगी और इन सबको अच्छे से मिक्स करके पास्ते के साथ और मैं 5 मिनट इनको और भून लूँगी। तो फ्रेंड्स, और 5 मिनट अंडे के साथ पास्ते को अच्छे से चम्मच से चला के भूनते रहना है। अभी फ्रेंड्स 5 मिनट हो चुका है और मैंने हाई फ्लेम पे अच्छे से अंडे के साथ मिक्स करके पास्ते को भून लिया है और लगभग ये पूरा रेडी है। तो अभी मैं इनमें फिर से और 1 चम्मच टमाटो केचप को डाल दूँगी और अच्छे से इनको टमाटो केचप के साथ पास्ते को चम्मच से चलाकर मिक्स कर लूँगी। तो मैं फ्रेंड्स और 2 मिनट ऐसे ही हाई फ्लेम पर इनको अच्छे से मिक्स करूँगी और थोड़ा भूनूँगी और उसके बाद ये आपका पास्ता पूरा रेडी हो जाएगा। तो अभी ये 2 मिनट हो चुका है, अच्छे से मैंने भून लिया है। तो अभी ये रेडी है और अभी मैं गैस ऑफ करके इनको गैस से उतार लूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट लिया है और मैंने जो पास्ता मतलब पकाया है अंडे के साथ उनको मैं इस प्लेट में मतलब सारे पास्ते को निकाल लूँगी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, कितना आसान है और कितना सिंपल है बनाना और कितना मज़ेदार नाश्ता है। तो आप अपने सुबह का हो या शाम का हो, कभी भी आप इसको झटपट से बना सकते हैं नाश्ता। तो अभी क्या करूँगी मैं, इसमें ऊपर से मैं मतलब थोड़ा टमाटो केचप को चारों तरफ से मतलब डाल दूंगी तो दिखने में भी ये बहुत अच्छा लगेगा और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा। तो अभी मैं आपको खा कर दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी बना है और मतलब इतना मज़ा आता है कि खाने में तो ये इसको मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ये बार बार आप खाते ही जाएंगे, इतना मज़े का नाश्ता बनता है ये।
तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को आज का मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नई रेसिपी का वीडियो को अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आप लोगों को मिल पाए। तो फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज, और दुआओं में याद रखिएगा।